फरदाबाद कोचिंग सेंटर संचालकों ने आज कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिस तरह कोरोना की लहर कम हो गई है, उसे देखते हुए कोचिंग सेंटर खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। कोचिंग सेंटर बंद होने के कारण जहां छात्रों को नुकसान हो रहा है, वहीं कोचिंग सेंटर से जुड़े लोग भी आर्थिक रूप से परेशान हैं, क्योंकि अब माहौल सामान्य होता जा रहा है और कोरोना के केस भी कम हो गए हैं। सरकार ने मार्केट व सरकारी संस्थान को खोलने की अनुमति दे दी है। कोचिंग सेंटर संचालकों का कहना है कि अब कोचिंग सेंटर को खोलने की अनुमति भी प्रदान की जाए। ताहिर जी, इस संबंध में आना हुआ है, देखिए आज मुरादाबाद कोचिंग एसोसिएशन के सब पदाधिकारी हैं और हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि जैसा कि आपने आज अखबार में पढ़ा होगा और ये सारी विज्ञप्ति जारी हो गई कि आने वाले समय में 21 तारीख से रेस्टोरेंट भी खोले जा रहे हैं और उसमें आंचे कर्फ्यू में भी ढील दी जा रही है, बहुत सी चीज़ें खोली जा रही हैं, लेकिन स्कूल खोलने की व्यवस्था भी की गई है कि साथ स्कूल खोलेंगे, पढ़ाई नहीं होगी, बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन कहीं पर भी कोचिंग का कोई नाम नहीं है, जबकि कोचिंग संस्थान भी पिछले दिनों से 9 अप्रैल से बंद पड़े हैं और उनके बाद अभी तक उनको नहीं खोला गया है। और कोचिंग संचालक भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से आपने SOP बनाई है, जो मानक बनाए हैं, जिस अकॉर्डिंग हम उसका पालन करते हुए हम भी खोलना चाहते हैं कि आपने 50% रेस्टोरेंट को अनुमति दे दी खोलने की, तो आप भी कोचिंग को 50% बच्चों की संख्या के साथ अनुमति दे दें। छोटे बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे, वैसे बहुत से कम इंस्टीट्यूटों में छोटे बच्चे आते हैं, लेकिन इस कोरोना को देखते हुए हम छोटे बच्चों को वहाँ पर अनुमति नहीं देंगे, हम बड़े बच्चों को बुलाएंगे। किस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही हैं आपके पास? देखिए, ये तो परेशानी सबसे छुपी हुई नहीं है, आज स्थिति यह है कोचिंग वालों की कि आधे से ज़्यादा कोचिंग सेंटर बंद होने की कगार पर है और जो बचे हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं कि भविष्य में क्या होगा, वो खुद चिंतित हैं, उनको भी अपने पता नहीं भविष्य क्या होगा। मैं आपको बताता चलूँ, पिछले 7.5 महीने कोचिंग बंद होने के बाद खुले थे, जो कोरोना पहले आया था 2 नवंबर को DI साहब ने आदेश दिया था हमारे कोचिंग खोलने का, 4 महीने कोचिंग खुल नहीं पाए, फिर बंद हो गए। लगभग कितने कोचिंग सेंटर होंगे जनपद मुरादाबाद में आपके? देखिए, छोटे बड़े अगर आप लगाएंगे तो कम से कम 100 कोचिंग संस्थान तो हैं, कम से कम 100 संस्थान होंगे, लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि हमारे भी लोगों का किराया की जगह है, टीचर्स के पैसे जाते हैं, बिजली के बिल जा रहे हैं, कहीं पर कोई छूट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमें भी जैसा आपने रियायत दी है, हमारे बिजली के बिल माफ़ हों, हमारा किराया माफ़ हो, हमें भी कोई छूट मिल जाए कि उनके भी बेचारे की फैमिली है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों की फीस माफ़ हो, कोई स्कूल वाले स्कूल की फीस में छूट नहीं दे रहे। कितने टीचर लगभग आज यहाँ आए होंगे? देखिए, लगभग यहाँ 20-25 लोग हैं और संस्थान के और लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं और आज हम DM साहब से मांग करेंगे कि हमें भी कुछ अनुमति के, हमें इंस्ट्रक्शन के साथ में अनुमति दी जाए कि हम भी अपने कोचिंग संस्थान खोल सकें और जीवन यापन कर सकें।